ये बात 80 के दौर की है। एक बिजनेस परिवार का लड़का मुंबई MBA करने के लिए आता है और यहीं आकर हॉस्टल में रहने लगता है। खैर, ये तो एक साधारण बात थी। आप सोचेंगे कि इसमें खास क्या है, तो ये बात इसके बाद शुरू होती है। जीने की तमन्ना हो, तुम मेरी जरूर। यहाँ इस लड़के की पर्सनालिटी को देखकर उसके दोस्तों ने कहा, यार तुम तो बिल्कुल हीरो की तरह लगते हो, तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए। एक्टिंग में इंटरेस्ट ना होने के बावजूद उसको ये बात जम गई और उस लड़के ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और जल्द ही एक फेमस मॉडल बन गया। शुरुआत भले मॉडलिंग से किया हो, लेकिन इस लड़के का सफर तो काफी दूर तक था। इसी बीच उसे एक फिल्म ऑफर हुई। साल 1986 में रिलीज हुई फिल्म प्यार हो गया से आखिरकार बॉलीवुड में उसने एंट्री किया। मिलते मिलते हंसी वादियों में। इस लड़के को आप और हम जानते हैं अविनाश वाधवन के नाम से। जी हाँ, वही अविनाश वाधवन जो 90s के दौर में एक जाना पहचाना चेहरा थे और जिनके बारे में कहा जाता था कि ये बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं। वहीं इनकी एक्टिंग देखने के बाद तो सबने कहा था कि इनका करियर काफी लंबा और दमदार होगा, लेकिन आगे जाकर न जाने इनको किसकी नजर लग गई और अपने शानदार करियर को छोड़ गायब हो गए। बताएंगे आखिर क्या हुआ इस बेहतरीन एक्टर के साथ जिसकी वजह से ये सिनेमा से दूर हो गए। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं उनकी फिल्मी सफर से। आप बने रहिए हमारे साथ। जिंदगी हो तेरे संग हो, आगर से आई हो या आई बरेली से, मोहब्बत में इतने करीब आ गए हम। नमस्कार, स्वागत और आभार है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल में। 90 के दौर के मशहूर एक्टर अविनाश वाधवन का जन्म 2 नवंबर 1968 को दिल्ली में हुआ था। शुरू से ही पढ़ने में होशियार अविनाश की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में हुई और इंजीनियरिंग के बाद MBA करने के लिए वो मुंबई आ गए। एक्टिंग से कोसों दूर रहने वाले अविनाश वाधवन अपने कुछ दोस्तों के कहने पर मॉडलिंग की दुनिया में आ गए और यहीं से शुरू हुआ उनके ग्लैमर की दुनिया का सफ़र। इसी के साथ पूरी दुनिया जिसे अब तक राकेश वाधवन के नाम से जानती थी, वो बन गए अविनाश वाधवन। प्यार से मुझे देखो ना सनम, मुझे तेरी अदा ने। मॉडलिंग करते करते अविनाश काफी आगे निकल गए और अपने आप को उस दौर में बतौर टॉप मॉडल स्थापित कर लिया। इसी दौरान अविनाश को साल 1986 में रिलीज हुई फिल्म प्यार हो गया ऑफर हुई, जिसके बाद अविनाश ने मॉडलिंग के साथ एक्टिंग भी शुरू कर दिया। इस फिल्म से अविनाश को कोई खास फायदा नहीं हुआ। फिल्म आई और चली गई। इसके बाद अविनाश को मल्टी स्टारर फिल्म इंसाफ की पुकार में काम करने का मौका मिला। मल्टी स्टारर फिल्म होने के बावजूद अविनाश अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म के बाद अविनाश को ठीक ठाक फिल्मों के ऑफर्स आने शुरू हो गए। जल्दी ही वो निर्माताओं की पहली पसंद बन गए। उनके करियर के उड़ान को पंख भी नहीं लगे थे कि अचानक इन्होंने अपने शानदार करियर को छोड़कर फिल्मों से दूरी बना ली, जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। फिल्मी दुनिया के लिए ही नहीं, उनके फैंस के लिए भी ये बहुत शॉकिंग था। आगे बताएंगे ये पूरा कारण विस्तार से। फिलहाल बात करते हैं उनके फिल्मी करियर के बारे में। बोल गोरी बोल, क्या इरादा किया, लाखों है लड़के तो जाने दो जाने। कितना कितने दिलों की बात है,
साल 1991 अविनाश के करियर में मील का पत्थर माना जाता है। इस साल उनके करियर की सबसे बड़ी म्यूजिकल हिट फिल्म आई मिलन की रात रिलीज हुई थी। फिल्म के गानों ने तो सबको हिलाकर रख दिया था। सावन का महीना आया है। इस फिल्म के गाने इतने पॉपुलर हुए कि हर गली नुक्कड़ पर बजते थे। अविनाश के करियर में भी ये फिल्म मील का पत्थर मानी जाती है। इस एक फिल्म ने अविनाश को रातों रात स्टार बना दिया था। मत रो मेरे दिल। इसके बाद साल 1992 में आई फिल्म मीरा का मोहन और गीत ने अविनाश को बॉलीवुड में स्थापित कर दिया। साल 1992 भी अविनाश के लिए काफी लकी रहा। इस साल उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई और वो भी ऐसी कि सब ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इसी साल अविनाश को महेश भट्ट ने अपनी फिल्म जुनून में राहुल रॉय और पूजा भट्ट के साथ कास्ट किया, जिसमें उनके काम को क्रिटिक्स ने बहुत पसंद किया। देखो राहें तेरी रात दिन, अभी जा मेरे। आगे इस साल अविनाश की दिव्या भारती के साथ रिलीज हुई फिल्म गीत भी काफी बढ़िया साबित हुई। इसके गानों ने धमाल मचा दिया था और फिल्म को भी बहुत पसंद किया गया था। इसी साल अविनाश की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज हुई बलमा, जिसमें उनके साथ आयशा जुल्का लीड रोल में थी। इस फिल्म के गाने इतने लाजवाब रहे कि आज भी लोगों की पसंद बने हुए हैं। अविनाश ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में की और अपनी एक्टिंग से सबका मन मोह लिया। उस दौर में उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी। अविनाश की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो इसमें ₹10 करोड़, आई मिलन की रात, मीरा का मोहन, गीत, बलमा, जुनून, इंसाफ की पुकार, पुलिस और मुजरिम, धनवान, घर आया मेरा परदेसी, पापी गुड़िया, कैप्टन भवानी शामिल है। अविनाश ने अपने करियर में हिंदी ही नहीं, गुजराती, पंजाबी, अंग्रेजी और भोजपुरी भाषा की फिल्मों में भी काम किया। फिल्मों के बाद अविनाश ने टीवी की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने ओटीटी पर भी काम करने से परहेज नहीं किया। नमस्ते जी, कहिए क्या हाल चाल है। अविनाश के टीवी करियर की बात करें तो साल 2003 में अविनाश पहली बार टीवी सीरियल एहसास में दिखे और लगातार टीवी की दुनिया में फिल्मों से ज़्यादा एक्टिव हो गए। अविनाश को आज भी स्टार प्लस के फेमस सीरियल सपना बाबुल का विदाई के इंद्रजीत राजवंश के तौर पर याद किया जाता है। वहीं साल 2013 में कलर्स टीवी पर प्रसारित फेमस सीरियल बालिका वधू के अनूप शेखर के किरदार के लिए भी उन्हें जाना जाता है। अविनाश के प्रमुख सीरियल्स की बात करें तो इसमें सपना बाबुल का विदाई, बालिका वधू, CID, डोली अरमानो की, पिया अलबेला, अगर तुम ना होते, तेरी मेरी डोरियां शामिल हैं। वेब सीरीज की बात करें तो अविनाश ने Z5 पर प्रसारित सीरीज स्टेट ऑफ सीज में भी काम किया है। अविनाश आज भी अपने करियर में बहुत एक्टिव हैं और अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। इन सब में एक बात जो सबको खटकती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो अपने दौर में सबसे आगे निकल रहे स्टार एक्टर का फिल्मी करियर अचानक से डूब गया और फिर ये कभी उबर नहीं सका। आगे बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ विस्तार से। आप बने रहिए हमारे साथ। ये तो रही अविनाश वाधवन की फिल्मी करियर की बात। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनके निजी जीवन के बारे में।
अपने निजी जीवन में अविनाश ने दो शादियां की। अविनाश ने पहली शादी छाया पारेख नाम की मॉडल से की, जिससे उनकी मुलाकात मॉडलिंग के दिनों में ही हुई थी और जल्दी ही ये मुलाकातें प्यार में और फिर साल 1990 में शादी में बदल गई थी। हालांकि ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी। आखिरकार लगभग 10 साल बाद साल 2000 में दोनों अलग हो गए। इस शादी से उनको एक बेटा भी हुआ जिसका नाम समय वाधवन है। समय भी सिनेमा का शौक रखते हैं और बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके हैं। तुम्हें दिल से चाहा हमने। इसके बाद अविनाश ने दूसरी शादी साल 2003 में नताशा से की और इसी के बाद वो फिल्मों में कम और टीवी की दुनिया में ज़्यादा एक्टिव हो गए। अविनाश और नताशा का एक बेटा भी है सम्राट वाधवन। फिलहाल अविनाश अपनी फैमिली के साथ मुंबई में ही रहते हैं और करियर पर फोकस कर रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों कभी खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार के साथ डांस सीखने वाले अविनाश वाधवन अचानक गुमनाम हो गए और सिनेमा में इनएक्टिव हो गए। दरअसल कहा जाता है कि अविनाश और छाया ने शादी तो भले ही अपनी पसंद से की, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों में मनमुटाव होने लगे, जिसकी वजह से अविनाश काफी परेशान रहने लगे। अपने निजी जिंदगी में परेशान अविनाश ने धीरे धीरे फिल्में साइन करनी कम कर दी। वहीं इसी सब के दौरान उनकी ढेर सारी फिल्में बीच में बंद हो गईं। अविनाश अपनी निजी जिंदगी की वजह से फिल्मों में कम ध्यान देने लगे। अपने जीवन में परेशान अविनाश दोनों में सामंजस्य नहीं बैठा सके और हिम्मत हारने लगे, जिसका असर ये हुआ कि वो करियर पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाए। वहीं दूसरी ओर अविनाश अच्छी फिल्में छोड़ते चले गए जो उस दौर के और एक्टर्स जैसे कि अजय देवगन, सैफ अली खान, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी को ऑफर होने लगी। जहां अविनाश का करियर ग्राफ लगातार गिरता चला गया, वहीं इनके समकालीन एक्टर्स का ग्राफ लगातार ग्रो करता चला गया। मेरे ख्याल से तुम बड़ी धीरे धीरे अविनाश बॉलीवुड में साइड होते चले गए और उनके करियर में एक दौर तो ऐसा भी आया जब उनको फिल्मों के ऑफर्स आने ही बंद हो गए और इस तरह एक दौर में उभरता हुआ स्टार धीरे धीरे सबके लिए गुमनाम होता चला गया। मत रो मेरे दिल। हालांकि अविनाश ने हिम्मत नहीं हारी और पहली शादी से अलगाव के बाद एक बार फिर से फिल्मों में कमबैक करना चाहा, लेकिन वो अपना करिश्मा नहीं दोहरा सके। फिर अविनाश ने क्षेत्रीय फिल्मों की तरफ रुख किया और साथ ही साथ टीवी की दुनिया में एक्टिव हो गए। इसके बाद आज तक अविनाश टीवी पर ज्यादा एक्टिव है। अविनाश वाधवन भले अपने करियर में वो मुकाम हासिल ना कर पाए हों जिसके वो हकदार थे, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब उनकी फैन फॉलोइंग बहुत शानदार थी। हम उम्मीद करते हैं कि अविनाश जहां भी हो स्वस्थ रहें और ऐसे ही अपनी एक्टिंग से लोगों का मनोरंजन करते रहे। साथ ही आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप चलते चलते हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।